जैसे हम लोग बात करने वाले हैं, आपके लिए वाईफाई बेटर रहेगा या फिर मान लीजिए जो कि मोबाइल डाटा होता है वह बेटर रहेगा जी पर, तो सिंपली दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? यदि मान लीजिए आप वाईफाई लगवाना चाहते हैं तो आपको लगवाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? इसके अलावा यहाँ पर जो कि मोबाइल डाटा होता है उसे रिचार्ज करवाना चाहिए या फिर वाईफाई यूज करना चाहिए, इसमें एडवांटेज और किस में आपको डिसएडवांटेज मिलता है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वाईफाई और मोबाइल डाटा के बारे में। जहाँ पर आपने देखा होगा जब कभी भी कहीं कहीं पर आप जाते हैं, जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर ऐसे में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर आपको मोबाइल डाटा का स्पीड बहुत ही स्लो देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो कि वाईफाई है, वाईफाई को आप यूज़ करेंगे तो जो कि आपका राउटर होता है उसमें आपको जो कि स्पीड होता है वह कस्टमाइज कर सकते हैं कितना स्पीड आपको चाहिए, और मैक्सिमम स्पीड भी आपको उसमें देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर ऐसे में जो कि वाईफाई का स्पीड होता है उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, वीडियो अपलोडिंग हो या फिर डाउनलोडिंग या फिर स्ट्रीम कर रहे हैं तो जो कि वाईफाई होता है उसमें बहुत ही ज्यादा स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाता है। जहां पर तो सिंपली बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है उसे आप कहीं पर भी ले जाकर के यूज कर सकते हैं। जहां पर ऐसे में जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है वो पोर्टेबल बन जाता है कंपेयर टू जो कि आपका वाईफाई होता है। जहां पर जो कि आपका वाईफाई होता है उसे आप यहां पर कहीं पर भी ले जाकर के यूज नहीं कर सकते, ज्यादा पोर्टेबल नहीं बनता है, लेकिन जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है मोबाइल को आप कहीं पर भी ले जा करके यूज कर सकते हैं। जहाँ पर लेकिन जो कि आपका नेटवर्क होता है कभी कभी ये एरिया के हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करता है, जो कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर होता है किस एरिया में आपको ज़्यादा नेटवर्क देखने के लिए मिलता है और किस एरिया में कम देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर तो जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है उसमें कहीं कहीं पर आपको स्पीड अच्छी देखने के लिए मिलेगी, और जो कि आपका वाईफाई होता है इसमें कंटिन्यूसली आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। जहाँ पर तो ऐसे में जो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए जो कि स्पीड मायने रखता है या फिर पोर्टेबिलिटी मायने रखता है। जहाँ पर तो सिंपली यदि मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड चाहिए तो आप यहाँ पर मोबाइल डाटा को छोड़ करके वाईफाई की तरफ जा सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पीड देखने को मिलता है और अनलिमिटेड डाटा आप इसे यूज कर सकते हैं। जहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर जो कि मोबाइल डाटा होता है इसमें आपको यहाँ पर लिमिटेड डाटा देखने को मिल जाता है, और जो कि पोर्टेबिलिटी होती है बढ़ जाती है, आप कहीं पर भी ले जा करके यूज कर सकते हैं। जहाँ पर तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं वाईफाई आपके लिए बेस्ट रहेगा या फिर मोबाइल डाटा। तो हमें उम्मीद आप समझ गएंगे जो कि वाईफाई है इसमें क्या चीज़ आपको डिफरेंट देखने को मिलता है और जो कि आपका मोबाइल डाटा होता है इसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।